होता है। जैसे गणितज्ञ जो जो गणित के विद्वान होते हैं, जब गणित का कोई प्रश्न हल नहीं होता है तो एक सूत्र का प्रयोग करते हैं कि माना अमुक वस्तु का मूल्य इतना है, और इस सूत्र का प्रयोग करके वो अपने उस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो ये मानक होता है, ये उदाहरण होता है, और उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि तुम्हारे प्रश्न का हल हो जाए। तो प्रश्न का हल करने के लिए माना अमुक वस्तु का मूल्य इतना है, और धोखे से पंडित जी से कोई बता दे कि माना वो अमुक वस्तु का मूल्य इतना है, तो कहो ये सही मान जाए कि सही है, अमुक वस्तु का मूल्य इतना है होता है। समस्या इतनी है केवल, तो माना ये उदाहरण है और उदाहरण को आपने यथार्थ मान लिया। हमने कहा था कि जैसे बारात में दूल्हा कौन है ये पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे तोड़ने वाला कौन है ये पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर भगवान ने नेत्र दिए हो तो उसका दर्शन करिए, तो आपने उदाहरण को यथार्थ मान लिया, चलिए कोई बात नहीं। आपने कहा यहाँ है स्वयंवर, अब देखिए वो अलग है। अब कैसे, अब यहाँ आए तो थे सब दूल्हा, आए थे सब, लेकिन परिणाम क्या हुआ था? कहा अब दूल्हा बचे, क्या वो दूल्हा बचे? अगर बचे होते तो राजा जनक को यह नहीं कहना होता कि तजउ आस निज निज गृह जाहू और लिखा न बीति बैदेही विवाह। ये काहे कहा राजा जनक, तो ये दूल्हा नहीं बचे, ये दूल्हा आए तो थे बन के, लेकिन अब ये सब पराजित हो चुके हैं। और जब ये पराजित हो चुके हैं तो दूल्हा बचा है, अब एक ही, अब कौन है उसी की खोज करनी है। अब कैसे करनी है उसके लिए हम मार्ग बता रहे हैं, तो आप अपनी बुद्धि लगा रहे हो, या तो स्वयं ढूंढ ले और या तो दूसरे के बताने के अनुसार उस मार्ग पर चलिए और अपने गंतव्य को प्राप्त करिए। तो अपने गंतव्य को प्राप्त भी नहीं करना चाहते हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करना चाहते हो, ये दोनों बातें साथ में नहीं चल सकती है। भाई जितने दूल्हा आए थे वे सबके सब पराजित हो चुके थे। बंदियों ने पढ़ सुनाया था, बोले बंदी वचन भर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह का कहीं हम भुजा उठाए विशाल। और सब सब राजाओं ने प्रश्न सुना, सुन पर सकल भूप अभिलाखे, भटमानी अतिशय मनमाखे, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरही न टारा, और डिगई न शंभु सरासन कैसे, और कामी बचन सती मन जैसे। और फिर आचार्यों को प्रमाण देना पड़ा कि श्रीहत भय हार ही राजा, और बैठे निज निज जाय, सबके सब राजा हार गए। और जब सबके सब राजा हार गए तो अभी दूल्हा बचे, दूल्हा नहीं बचे, अब तो दूल्हा दूल्हे बचा है। कौन दूल्हा बचा है? किसने धनुष को तोड़ा है? अब धनुष को किसने तोड़ा है? तो हमने कहा था अलग करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है? तो हमने कहा जैसे आकाश में चंद्रमा, जैसे आकाश में चंद्रमा, और महाराज जी ने फिर उसको यथार्थ मान लिया कि वो है चंद्रमा और हम है सूर्य ना। आपने कहा वो है चंद्रमा और हम है सूर्य, और सूर्य के सामने चंद्रमा को पूछना पड़ेगा। अब फिर देखिए ये भी एक उदाहरण था, उसको यथार्थ मान लिया है। अच्छा अगर आप सूर्य हैं तो एक जगह आपकी बराबरी चंद्रमा से भी की गई है, तो क्या चंद्रमा और सूर्य क्या ये दोनों एक स्थान पर संभव हो सकते हैं? चंद्रमा और सूर्य क्या ये दोनों एक स्थान पर संभव हो सकते हैं? पहली बात तो ये कि सूर्य तो हो आप, लेकिन सूर्य केवल अपने घर के हो, संसार के लिए सूर्य नहीं हो। तो अपने घर का तो कोई हो ही सकता है, अपने घर का सूर्य तो कोई हो सकता है, लेकिन जो संसार का तो सूर्य होता है वही परोपकारी होता है, वही जन कल्याणकारी होता है, वही संसार में सुख और समृद्धि लाता है। लेकिन आप एक ऐसे सूर्य हो जो संसार को सुख समृद्धि नहीं लाते हो, आप केवल अपने घर की सुख समृद्धि लाते हो। तो अपने घर की सुख समृद्धि लाने के लिए तो प्रत्येक व्यक्ति सूर्य है अपने घर का, वैसे आप भी हो, वैसे ही आप भी हो। तो कहने का भाव केवल इतना है कि जिसने तोड़ा है वो है चंद्रमा, आप अपने आप को सूर्य कह रहे हो, आप सूर्य भी हो। और मानसकार ने एक उपमा आपकी एक चंद्रमा से भी की है, शीश जटा सस बदन सुहावा और रिस बस कछुक अरुण हुई आवा। शीश जटा, शीश पर जटा है, और सस बदन, सस सस माने चंद्रमा,
अब बदन बदन माने मुंह, तो जो चंद्रमा का मुंह है जितना सुंदर वैसे है परशुराम जी का मुख सुंदर है, तो आपकी उपमा चंद्रमा से भी है, आपकी उपमा सूर्य से भी है। तो ये उपमा है, चंद्रमा है नहीं, आप चंद्रमा की तरह है, वैसे ही तोड़ने वाला चंद्रमा है नहीं, चंद्रमा की तरह है। तो तरह होना और वही होना अंतर होता है, और तरह को यथार्थ की दृष्टि से देखो ये ठीक नहीं है। अंतिम तर्क आपका आया कि रे नब बालक काल बस बोलत तो इन संहार, रे राजा के लड़के तू काल के बस में हो गया है, संभाल करके नहीं बोल रहा है। अरे महाराज इस भ्रम में न रहो कि हम काल के बस में है, क्योंकि काल भी हमारे अंग नतमस्तक होता है, काल के वश में अब नहीं है। हमारे लिए आचार्य जन प्रमाण देते हैं कि कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालहु जीति सके संग्रामा, हम लोग काल को जीतने वाले हैं, काल बस में नहीं है, इसलिए विचार करें हमारे जाना और सुनहु देव सब धनुष समान। देखो काल को तुम कह रहे हो हम जीतने वाले हैं, ये तुम ही नहीं कहते हो, हर एक व्यक्ति कहता है काल को हम जीत सकते हैं। कालहु जीति सके, ये नहीं लिखा कि तुमने काल को जीता है, ये है कालौ जीत सकई, माने काल को जीत सकते हैं, ये नहीं अर्थ है कि काल को जीत लिया है, काल को जीत सकते हो। और ये हर एक व्यक्ति कहता है हम भी काल को जीत सकते हैं, लेकिन कब तक जीत सकते हो, जब तक काल आता नहीं तब तक, जब तक काल ना आए तब तक खूब ताल ठोको हम काल को जीत लेंगे, काल हमारा क्या कर लेगा। तुम काल भी देता हो लेकिन जिस दिन काल आ गया उस दिन फिर ये कहने के योग्य नहीं बचोगे कि हम काल को जीत लेंगे, क्योंकि काल की वास्तविक परख तभी होती है जब काल आता है, और जब तक काल नहीं आ रहा खूब डींग हाको खूब ताल ठोको जो मनाए वो कहो, कब तक, जब तक काल नहीं आ रहा तब तक, और जिस दिन काल आ गया तो सारी सारी सारे सारा अभिमान धूल धूसरित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काल भगवान का ही रूप है, ऐसा नहीं भगवान अलग है काल अलग है, काल भगवान का ही रूप है, भगवान के द्वारा ही संचालित है, भगवान का ही आधार है। और एक बात बताएं, संसार में भगवान भी जब आते हैं और उनका कालखंड भी जब आता है, काल आता है तो वो भी संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। कौन? भगवान। तुम तो जीव हो, जब भगवान काल के अनुसार चलते हैं तो लक्ष्मण की कोई गणना क्या है। और हमारे मानस में ऐसा कहा भी गया, अग जग जीव नाग नर देवा और नाथ सकल जग काल कलेवा। देवा देवता अमृत पिए हुए, देवता अमर है लेकिन फिर भी काल कलेवा, माने जो अमर है वो भी काल के कलेवा है, इसलिए तुम तो जीव हो, जब अमर देवता काल कलेवा है तो तुम क्या हो। तुम कहते हो हम काल को जीत सकते हैं, हाँ तभी तक जब तक परशुराम का फांसा नहीं चल रहा तब तक, और जितने समय परशुराम का फांसा चला तो सब पता हो जाएगा तुम काल के बस में हो कि काल तुम्हारे बस में। लक्ष्मण क्या कहता है? लक्ष्मण कहता है कि जैसे कोई प्रश्न हल किया जाए तो मान लिया जाता है कि अमुक वस्तु का मूल्य इतना है, मानक मान करके फिर आगे बढ़ा जाता है। अच्छा मानक भी जब माना जाता है तो उसमें तो व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वो मानक का माने मानक खा माने मानक गा माने मानकता माने ठा माने कुछ भी माने, उस मानक के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होता है। तो मानक तो कुछ भी माना जाए, तो जब कुछ भी माना जाए तो हमने मानक माना है कि सुनऊ राम जैसे धन तोरा सहस बाहु संसो रिप मोरा, हमारा मानक है रिप मोरा मानक है। अब उस मानक के आधार पर आगे निर्णय होगा कि उसका वास्तविक मूल्य क्या है। अभी तो ये मानक मानक है, अभी तो ये मानक है, और आगे फिर निर्णय निकलेगा कि इस मानक का मूल्य वास्तविक क्या है, वहां पर आके जाकर निष्कर्ष निकलेगा। तो अगर मानक के लिए तुम बात करते हो तो मानक परशुराम का है, फिर आपत्ति क्या है? मानक हमने मान लिया सहस भाव संसो रिप हो रहा मानक लग गया, अब इस मानक के आधार पर आगे निर्णय मूल्य का निकलेगा।
देखो किसी भी वस्तु का मानक आप मान करके जब आगे बढ़ेंगे तो जानते हो क्या होता है, ऐसे निष्कर्ष नहीं निकलता है कि मानक मान लेने मात्र से ही निष्कर्ष निकल आए, फिर आगे सूत्र भी सही होना चाहिए और फिर उसका हल करने का प्रकार भी अच्छा होना चाहिए। जब सारी विधाएं अच्छी होंगी तब जा करके फिर वास्तविक मूल्य निकल करके आएगा। तो अभी हमने मानक माना है, उसमें सूत्र भी लगा दिया है और सूत्र को लगाने के बाद अब आगे हल करना है और हल करने पर जो निष्कर्ष निकल के आएगा वही उस मानक का वास्तविक मूल्य होगा। इसलिए राजकुमार ये तुम्हारे मानक का प्रत्युत्तर। तुम कहते हो कि परशुराम जी यहां पर दृष्टांत दिया गया है, अरे तो हम थोड़े कह रहे हैं कि हम सूर्य हैं, हमारे लिए भी दृष्टांत ही है। यदि उसके लिए दृष्टांत है तो हमारे लिए भी दृष्टांत है, अलंकार उसके लिए है तो अलंकार हमारे लिए, बस अंतर इतना है कि एक जगह पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और एक जगह पर उपमा अलंकार है। आया अलंकार ही उपमा रूपक उत्प्रेक्षा ये सब अलंकार के प्रकार होते हैं। और एक बात बताएं, उपमेय कभी उपमान नहीं बन जाता है और ना उपमान कभी उपमेय होता है। उपमान कौन, उपमेय है कौन, जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय है और जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमान। अलंकार की स्थिति ये है कि कभी कभी उपमान को उपमेय से प्रबल कर दिया जाता है, कभी कभी उपमेय को उपमान पर प्रबल कर दिया जाता है और कभी कभी उपमेय और उपमान दोनों ऐसी स्थिति पर आ जाते हैं कि वहां निर्णय करना कठिन हो जाता है कि कौन है उपमेय और कौन है उपमान। जैसे नारी बीच सारी एक सारी बीच, हाँ ये तो ये अलंकार है। तो अलंकार का ऐसा नहीं कि वो अलंकार के अंतर्गत है तो हम अलंकार के अंतर्गत नहीं है, वो भी अलंकार है और हम भी अलंकार के अंतर्गत है, इसलिए हमने ऐसा कहा। लेकिन वास्तविक रहस्य निकलता है जाकर के प्रकाश से। अब लक्ष्मण ने कहा कि हमारे जाना और सुनो देव सब धनुष समाना। देखो ये भी बात तुमने स्वयं इसका निष्कर्ष निकाल दिया कि हमारे जाना माने ये जानकारी किसी वेद की नहीं है, ये जानकारी किसी पुराण की नहीं है, ये जानकारी किसी धर्मशास्त्र की नहीं है, ये जानकारी किसकी है, लक्ष्मण की। हमारे जाना और सुनो देव सब धनुष समाना। तो एक बालक की जानकारी को मैं वैदिक और पौराणिक परंपरा के ऊपर नहीं स्वीकार करूंगा। ये तुम्हारी जानकारी है, वैदिक और पौराणिक परंपरा की जानकारी नहीं है और तेरी व्यक्तिगत जानकारी को मैं इतना महत्व नहीं दूंगा कि वेद और पुराणों के सिद्धांत को पीछे हटा दिया जाए। और इसका कारण भी सुनो, देखो नदियां बहुत हैं, सभी नदियों में जल है लेकिन सभी को माता गंगा नहीं कहा जाता। हाथी बहुत हैं, सबकी आकृति एक समान है लेकिन सभी को एरावत नहीं कहा जाता। गाय बहुत हैं, सब देखने में बराबर हैं लेकिन सभी को कामधेनु नहीं कहा जाता। कौवा बहुत हैं, देखने में सब समान हैं लेकिन सभी को काकभुसुंडी नहीं कहा जाता। बंदर बहुत हैं, सब देखने में समान हैं लेकिन सभी को हनुमान नहीं कहा जाता। वृक्ष बहुत हैं, सब में पत्ती जड़े तने हैं लेकिन सभी को पीपल का वृक्ष नहीं कहा जाता। मनुष्य बहुत हैं, सबके दो हाथ दो पैर हैं लेकिन सभी को राजा नहीं कहा जाता। घोड़ा बहुत हैं, सभी को उससे सवार नहीं कहा जाता। उसी प्रकार से धनुष बहुत हैं लेकिन सभी को अजगर नहीं कहा जा सकता है। इसलिए सभी धनुष समान हैं, तुम्हारी इस बात को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अजगव नहीं कहा जा सकता है लेकिन अजगव के बराबर कहा जा सकता है। और यही मेरा तर्क है। हमारे बड़े भैया श्री धर्मेंद्र जी मिश्रा महानगर कानपुर। गिनाए बंदर बहुत है लेकिन हनुमान नहीं है, हाथी बहुत है लेकिन ऐरावत नहीं है, उच्च बहुत है लेकिन नहीं है, धनुष बहुत है लेकिन अजगो नहीं है। हम भी कह रहे हैं कि धनुष बहुत है अजगो नहीं है, ऐरावत हाथी बहुत है पर ऐरावत नहीं है, लेकिन हाथी बहुत है लेकिन ऐरावत के बराबर हो सकते हैं।
हनुमान के बराबर बंदर हो सकते हैं, हनुमान नहीं हो सकते हैं, लेकिन हनुमान के बराबर हो सकते हैं। अगर बराबर ना हो सकते तो मानसकार ये प्रमाण न देता कि हनुमदादि सब बानर बीरा और धरे मनोहर मनुज शरीरा हनुमदादि। और ये आ गए भैया अंकित जी मिश्रा, करहरा कला वाले बड़े हनुमान मंदिर रोडवेज के सामने महोबा। भैया की ओर से 21 पत्र मुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों विभूतियों के चरणों में सादर समर्पित हैं। भैया को कोटि का धन्यवाद। गंगा नदियां बहुत हैं पर गंगा नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है, लेकिन गंगा के बराबर हो सकती है। अब कैसे हो सकती है, तो अगर कोई प्रश्न कर दे कि देश की, भारत देश की पवित्र नदियां कौन कौन सी है, तो उसमें गंगा का नाम है, उसमें यमुना का नाम है, उसमें सरस्वती का नाम है, उसमें नर्मदा का नाम है और उसमें गोदावरी का नाम है। सुरसरी माने गंगा, सरसई माने सरस्वती, दिनकर कन्या माने यमुना, मेकल सुता माने नर्मदा और गोदावरी कन्या। तो गंगा नहीं हो सकती है लेकिन गंगा के बराबर हो सकती है। बराबर होना और वही होना अंतर होता है, और मेरा तर्क वही होना नहीं है, मेरा तर्क बराबर होना है कि हमारे जाना और सुनहु देव सब धनुष समाना। तो वही होना और समान होना ये अंतर होता है। दूसरा तर्क आइए, हमने कहा था महाराज हम काल के बस में हैं, नहीं है। महाराज ने कहा कि तुम तो तुम और देवता तक काल के बस में हैं। असल में समस्या ये है, आप कहते हैं हमारे हाथ में फरसा है, तो जब तक काल ना आवे तब तक खूब डीग मारो, तब तक खूब ताल ठोको कि हम काल से लड़ लेंगे। लेकिन जब काल आ जाएगा, देखो महाराज काल नहीं भी आता है, इसीलिए हमने कहा था कि हम लोग काल के विजेता हैं, काल पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। क्यों कब नहीं आता है, जब ईश्वर की अनुकूलता आपके पक्ष में होती है, ईश्वर की अनुकूलता आपके पक्ष में है तो काल आपका कुछ नहीं कर सकता है। अरे कुछ लोग तो कहा करते हैं कि काल उसका क्या करेगा, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, काल उसका क्या करेगा जो महाकाल का भक्त हो। और ऐसे उदाहरण है महाराज, बहुत लोगों ने भगवान की भक्ति की और भगवान की भक्ति प्राप्त करने पर काल आया, लेकिन काल उनका बाल बांका भी नहीं कर पाया। कई ऐसे उदाहरण है हमारे शास्त्र में, और इसीलिए कहा था कि हमको जो बल है कि मैं काल को जीत लूंगा, तो ये अपने बल से नहीं है, ये केवल रघुनाथ जी के बल से है, और मेरे पास निज का बल कोई नहीं है। इसलिए मैंने कहा था पहले भी, जिसमें राजा जनक ने कहा कि धरती पर कोई वीर नहीं है, तो मैंने राम जी से कहा कि प्रभु जनक कह रहे धरती पर कोई वीर नहीं है, और आप यदि हमको आदेश दे दें केवल, तो जो रावुर अनुशासन पाऊं तो कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं, काचे खट जिम डारो फोरी और सकहु मेर मूलक जिमी। फिर कहा था कि तोरव छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ तब प्रताप। तो अगर ईश्वर का प्रताप बल लगा हुआ है तो काल का करेगा तुम्हारा, आप बता रहे हम फरसा धरे, ऐसा ना हो फरसा तुम्हारा टूट मिला तुम्हू टूट मिलो। ईश्वर की चुकी अप्रत्याशित घटना ईश्वर करता है, व्यक्ति जान नहीं पाता है। जो चेतन का जड़ करई है, चेतन को जड़ और जड़ को चेतन, पता नहीं कब कर दे ईश्वर। इसलिए ये न बताओ कि हम फरसा रखे हैं, फरसा रखे हो ठीक है, और ये फरसा तो हमको तो बिल्कुल न दिखाओ। कारण है हम क्षत्रियों के घर में पैदा हुए, क्षत्रियों के राजकुमार है, जिनको तुम शोभा बनाए हुई हमारे खिलौना है, जिनको तुम अपने लिए शोभा मान रहे हो वो हमारे लिए खिलौने हैं, छत्रियों के घर में पैदा हुए हैं, तो ये सब बातें हमको न बताओ। दूसरा तर्क आइए, आपने कहा कि देखो ऐसा तो नहीं कि उसमें अलंकार ना हो, आपने कहा उसमें अलंकार, हम में अलंकार, उसकी उपमा मेरी उपमा,
देखो महाराज अलंकार है, बिल्कुल है, आपो में है, वो उसमें भी है, लेकिन एक अंतर है, जो अलंकार आप में है वो अलंकार वहां नहीं है, और जो अलंकार वहां है वो अलंकार आप में नहीं है। आप में उपमा अलंकार आपने स्वीकार किया, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, और उत्प्रेक्षा अलंकार का भाव अर्थ अलग होता है और उपमा अलंकार का भाव अलग होता है। तो जो अलग है उसको अलग स्वीकार करो, बात इतनी है केवल भाई, जो जो उपमा में तो उपमा होती है, लेकिन उत्प्रेक्षा में संदेह होता है। हाँ, जन जानो मन मानो ऐसा लगता है, वो जो लगता है वो होता नहीं है। जैसे हम यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े होने पर दूर देखें तो दूर देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे धरती और आकाश ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो ये लगता है लेकिन ये होता नहीं है। तो लगना होना इसमें थोड़ा अंतर होता है। हमने कहा था ये तो मानक है, तो आपने कहा कि अगर ये मानक है तो मैंने भी उसको मान लिया है। और क्या माना है? तो आपने कहा मैंने उसको शत्रु माना है, और ये मैंने माना है, और इसके बाद में देखेंगे कि उसका वास्तविक मूल्य क्या है। अब देखिए मूल बात आ गई। इसका मतलब मानक में जो माना जाता है वो उसका मूल स्वरूप नहीं होता है। इसको आपने भी देखिए स्वीकार किया, आपने कहा ये तो बाद में देखा जाएगा, अभी हमने उसको मानक मान लिया क्योंकि वो मेरा शत्रु है, और बाद में देखा जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि बाद में ना देखो, सब पहले से छानबीन लियो ना, पहले से विचार कर लियो, बाद में क्या देखोगे। वही स्थिति कि का बरसा जब कृषि सुखाने, जब फसल सूख जाए, अब फिर बाद में देखेंगे तो देखेंगे में तो जब नाश हो जाएगा तो फिर क्या देखोगे, है ना। इसलिए नाश ना हो उसके पहले देख लो कि उसकी गुणवत्ता क्या है, और गुणवत्ता क्या है उसके लिए केवल एक पंक्ति पढ़े देता। व्यास जी से चाहूंगा कि वो अपनी पीठ पर आए, शोभा बढ़े तो थोड़ा आनंद वर्धन हो। उसकी गुणवत्ता क्या है इसके लिए केवल एक पंक्ति पढ़े देता कि जिस समय तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, धनुष टूटा तो धनुष टूटने की आवाज हुई, और जब धनुष टूटने की आवाज हुई तो आवाज में बड़ी तीव्रता थी, और जब आवाज में तीव्रता थी तो सभी लोगों के कानों में अवरोध होने लगा, तो सभी लोगों ने अपने अपने हाथ कान में लगा लिए। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारही, सभी लोग विचार करने लगे, और जब विचार करने लगे तो उन्हें निष्कर्ष मिला कि कोदंड खंडे, कोदंड कोदंड माने धनुष, खंडे माने टूट गया है, और जब टूट गया है किसने तोड़ा है। जब ये समाधान मिला तो जयति बचन उचा रही है, देवता महात्मा संत ऋषि मुनि सभी जय जयकार करने लगे हैं। उसकी गुणवत्ता का आकलन, उसकी गुणवत्ता का अनुमान यहीं से लगा लीजिए कि अगर उसमें गुणवत्ता ना होती तो देवता महात्मा मुनि जन जयति बचन उचा रही ना करते। मैं परिवाणी पर विराम लगाता आपसे उत्तर।